लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। हुगली जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक अपराध को अंजाम देकर अपराधी बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। पुलिस महज कागजी कार्रवाई कर रह जाती है। बढ़ते अपराध ने आम लोगों को काफी दहशत में डाल रखा है। चोरी, डकैती, बलात्कार, मर्डर जैसे जघन्य अपराध हुगली जिले में धड़ल्ले से बढ़ते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला है चुटुड़ा के संगोन बगान इलाके का, जहां एक युवक का खून से लथपथ शव टेक्नो इंडिया स्कूल के नजदीक नाले में पाया गया। नाले में युवक का शव पड़ा देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। हाल ही में भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए दानकुनी क्षेत्र के स्थानीय नेता दिलीप सिंह ने खास बातचीत के दौरान पुरी में सेना पर हुए आतंकी हमले को शर्मनाक बताया और उन्होंने कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मानते हुए आग्रह किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।